आरक्षण हटाने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष का 2-2 का ऐलान। आखिर आरक्षण हटाने को लेकर अमित शाह ने क्या कहा है? शिक्षा और नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। मुंबई में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने 2-2 कहा कि बीजेपी के रहते आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। मुंबई में आयोजित रैली के दौरान अमित शाह ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार शिक्षा और नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण की नीति को न तो रद्द करेगी और न ही किसी को ऐसा करने देगी। उन्होंने कहा कि बी.आर. अंबेडकर ने जो भी आरक्षण नीति तय किया है उसे बदलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष पर भी जमकर हमला बोला। SC/ST एक्ट पर राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट को हटा दिया। किसी एक्ट को नहीं हटाया गया है, वो झूठा प्रचार करने में व्यस्त हैं। कहते हैं कि मोदी सरकार आरक्षण हटा देगी। मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। शाह ने कहा कि हम कभी आरक्षण नहीं हटाने वाले। यही नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी हम ऐसा होने नहीं देंगे। इससे पहले अपने ओडिशा दौरे पर भी अमित शाह ने कुछ इसी तरह का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मीडिया और सोशल मीडिया में आरक्षण वापस लेने की भ्रामक प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों के भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में 10 लोग मारे गए थे। देश भर में इस आंदोलन का व्यापक असर हुआ था। विपक्ष ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि आरक्षण खत्म करने की उनकी सरकार की कोई मंशा नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।